हरे घूम घुम अक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ पी गए वांग पियाला, आसमान का कलर बदल गया किसने रंग उछाला। घूम घुम अक्कड़ अक्कड़ बक्कड़ पी गए वांग पियाला, आसमान का कलर बदल गया किसने रंग उछाला। लाइट शेड की आरा तेरी चोली है, बच के रहना सोने आज होली है, बच के रहना सोने आज होली है। सारा रारा सारा रारा सारा रारा होली है, सारा रारा सारा रारा सारा रारा होली है। दिल की बातों का रंगों में अब होगा इजहार, अरे लाल गुलाबी रंगों की तुझ पर होगी बौछार। जग जाने तू ही ना जाने सुन ले मेरे यार, सतरंगी रंगों पे भारी है तरंगी प्यार। अरे देख मेरे संग में यारों की टोली है, बच के रहना सोने आज होली है, बच के रहना सोने आज होली है। हेलो दोस्तों, हम अनय ब्लॉग से फिर स्वागत है। हमारी तरफ से हमारे जितने यूट्यूब फैमिली को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों आज होली मनाया जा रहा है, आज बहुत धूमधाम से होली खेला जा रहा है। हमारे घर के बच्चे भी बाहर गए होली खेलने के लिए, तो हम लोग रंग वगैरह खेलते नहीं है, शाम में अबीर खेलते हैं अड़ोस पड़ोस के साथ में। बहुत अच्छी तरह से हम धूमधाम से होली खिलाते हैं। हम लोग का काम है हम लोग खाना वाना बनाते हैं बच्चे लोग के लिए। दोस्तों हमारे यहाँ दो दिन होली मनाया जा रहा है, तो आज भी मन रहा है और कल भी मन रहा है। तो आज भी हम लोग कुछ ना कुछ जा रहे हैं बनाने के लिए खाना, और कल भी बना लेंगे क्योंकि हमारे अड़ोस पड़ोस जितने भी लोग हैं सब कल भी मना रहे हैं, क्योंकि बच्चा लोग तो मानने वाला है नहीं, सब तो होली खेलते ही है। तो आज भी खेल रहा है कल भी खेल रहा है। तो दोस्तों हम जा रहे हैं शाम में पनीर की सब्जी बनाने के लिए। तो देखिए ये भी कुछ बना रही, क्या क्या बनेगा बताओ। कल हम बनाएंगे दही बड़ा और पुआ बनाएंगे, पूड़ी कचौड़ी यही सब बनाएंगे हम भी कल। तो होली का मैं तो दही बड़ा पक्का ही बनता है सबके घर में। होली ऐसा चीज है जो दही बड़ा छोला छोला भटूरा भी ना छोला। देखिए खाने पीने का त्यौहार एक होली है और एक तिल संक्रांत हो जाता है। तिल संक्रांत में कुछ अलग ही चीज बनता है, खाली तिल का चीज बनता है और इसमें क्या पुआ पकवान छोला दही ये सब बहुत ज्यादा दही बड़ा ज्यादा बनता है ना, कि लोग आते हैं मेहमान लोग तो उन लोग देना पड़ता है सबको। तो ठीक दोस्तों आज भी हम लोग होली मना रहे, कल ही मनाएंगे होली। दोस्तों अभी हम लोग होली खेल के तो आ चुके हैं, हम ज़्यादा तो नहीं खेले, यही सौरभ ही खेलता है। तो अभी हम लोग जाने वाले सिटी में कुछ कुछ सामान लाना है, जैसे कि मिठाई रंग कलर वही सब लेके आना है। रंग तो नहीं लगाते, बस अबेरी लेके आएंगे। तो बस अब निकल रहे हैं हम लोग। दोस्तों अभी हम लोग गाड़ी लेके तो निकल चुके हैं, लेकिन इतना खाली रोड है, ये देखिए एक भी गाड़ी नहीं दिख रहा, बस थोड़ा बहुत जो चल रहा है वही लोग, और वही लोग जो होली मनाने के लिए गए थे, ये देखिए बस इतना ही लोग है। पता नहीं दुकान भी सारा बंद ही दिख रहा है। मिठाई दुकान तो दोस्तों अभी आ चुका है, मिठाई दुकान खुला हुआ है, तो जो जो लेना है वो सब ले लेते हैं और जल्दी निकलते हैं। इसमें कुछ कुछ अभी हम लोग ले लिए हैं, अभी घर में यूज करेंगे। पहले मिठाई ले लेते हैं, देखिए इतना सारा मिठाई है यहाँ। ये भी दे दीजिए 10 पीस। भैया 70 है। अंगूर हमको आधा किलो दे दीजिए पहले, वो बड़ा वाला बड़ा जाने वाला दीजिए। दोस्तों अभी हम लोग सारा सामान ले लिए हैं, ये देखिए अपना मिठाई भी हो गया और फल भी हो गया। मिठाई हम लोग ले लिए थे, एक यही दुकान हमारा खुला हुआ था, बस अभी रंग लेना बाकी है, वो कलर मिल जाएगा, बाकी सारा सामान हो जाएगा। और अबीर लेना है, रंग लेना, स्मोक वाला तो ले लिए है। तो दोस्तों अभी ज्यादातर दुकान तो बंद है, पर देख रहे जो जो खुला है अगर बाई चांस तो उसमें मिल जा रहा है। तो चलते अभी पीछे देखते हैं कि कौन सा दुकान खुला हुआ है। दोस्तों अभी हम लोग घर पे आ चुके हैं और मिठाई और कलर दोनों लेके आ गए हैं। ये देखिए इतना सारा मिठाई ले लिए, जो हमको पसंद आया सारा ले लिए, और इधर पे अबीर है। दोस्तों ये सब तो यूज कल होगा और आज भी थोड़ा बहुत होगा, क्योंकि आज भी कुछ मनाया जा रहा है, कल ही मनाया जा रहा है, तो आज भी कुछ होगा। ये सब पहले हम ही जाकर लाया करते थे, कह रहा है कि सबका अपना अपना पसंद होता है, तो ये लोग अपना पसंद से ला रहा है, तो हम क्या, हम बस इसी में से कोई एक ले लेंगे, उसी में हो जाएगा मेरा। देखिए ये सब हमारा टाइम में नहीं था, क्या ये सब, ये वाला स्मोक वाला है, इससे जलता अबीर निकलता है। अच्छा। और वाला हर्बल वाला अबीर है। तब हर्बल स्मोक ये सब हमारे टाइम में कहाँ था, ये लोग का टाइम में तो यही लोग जानता है क्या हर्बो के क्या मिठाई सेव वाला ये सब। ये मिठाई तो पहले भी था, पहले भी था, लेकिन ऐसा नहीं था, थोड़ा चेंजिंग हुआ है। तो चलिए मनाते थोड़ा, आज भी होली कल भी मनाएंगे, कल पूरे में होली मनाएंगे हम लोग। दोस्तों शाम के 7 बज रहा है और हमारे घर पर है और आज है होली। तो देखिए होली में हमारे घर में बन रहा है पनीर का आइटम है सारा चीज। देखिए प्याज वगैरह सब तल रहे हैं, अभी हम प्याज वगैरह तल लेंगे, फिर अपना बनाएंगे पनीर, अपना पनीर मसाला बोलते हैं इसको। दूध वगैरह उसे गर्म हो रहा है, दूध वगैरह डाल के बनाना है। तो दोस्तों होली के दिन में क्या रहेगा, हमारे यहाँ आज तो बन नहीं रहा, क्योंकि सबके यहाँ बन ही रहा है, चिकन मटन कुछ बनता ही है। तो हमारा घर का पूजा जब से हुआ है तो हमारा सामान पूरा नहीं हुआ है,
उसके लेकर हमारे घर में कुछ नहीं बन रहा इस साल होली में। होली के बाद हमारा 2-3 दिन बाद हमारा चालू होने वाला है, सवा महीना तब तक खत्म हो जाएगा। दोस्तों प्याज मेरा लाल हो चुका है। अब मसाला जो कि घर का मसाला हमको मालूम नहीं कौन सा मसाला किस में है, तो उसके लेकर ये देखिए डाल रही डालो कौन कौन मसाला है। गाड़ी का तो हमको सब पता है कि मेरा मसाला कौन कौन सा है, इसमें अलग अलग डब्बा है तो हमको पता नहीं चलता, हमको साथ साथ भूजते भी रहते हैं। ये कौन मसाला था अभी? अच्छा दोस्तों ये पनीर मसाला है, थोड़ा ये भी थोड़ा डाल देते हैं। घर में तो बहुत सा मसाला क्या क्या चीज़ का, सब चीज़ का अलग अलग है। ये देखिए पनीर मसाला भी डाल दिए थोड़ा। दोस्तों ये मसाला जो है ये मिक्सर में पिसा हुआ है, काजू है, मगजदाना है, पोस्ता भी है, सब इसमें कुछ मिक्स मसाला है। ये तो मिक्सर में घर में मिल जाता है, मिक्सर पीस करके उसी का देखिए डाला हुआ। हम लोग तो गाड़ी में रहते हैं तो गिलास में कुछ लेते हैं तो इतना तो बारीक नहीं हो पाता है, फिर भी हो गया। यहाँ पर मिक्सर है तो इसलिए के अब इसको भी अच्छी तरह से भूंजेंगे अभी। दोस्तों अब जा रहे इसी को मेन इस पनीर का मसाला यही होता है, तो इसको अच्छी तरह से जा रहा भूंजने के लिए। और उसके बाद पनीर सबसे लास्ट आइटम है पनीर। दोस्तों मसाला मेरा अच्छी तरह से भून चुका है, पूरा लाल हो चुका है। अब जा रहे दूध डालने के लिए, ये देखिए दूध भी डाल दे रहे हैं इसमें। अब ये अच्छी तरह से पकेगा, उसके बाद इसमें पनीर डलाएगा। अच्छी तरह से इसको पकाना है, थोड़ा आँच भी थोड़ा सा कर देते हैं। इसमें पानी भी डाल सकते हैं, पानी से भी बन सकता है, दूध से भी बन सकता है। अभी घर पर है, जहाँ दूध मिल जाता है तो दूध लेके हम गाड़ी में ही बना लेते हैं। घर में तो दूध आता ही है डेली, तो हम कहे चलो दूध से ही बनाते हैं घर पे भी। ये देखिए अच्छी तरह से भाई खोलेगा, कि पनीर मेरा थोड़ा ज़्यादा ही है इसलिए थोड़ा सा पतला रखना पड़ेगा। अब इसमें डालेंगे तो पूरा टान लेगा इसके अंदर, थोड़ा एक बार डबकने देते हैं फिर इसमें पनीर डालेंगे। दोस्तों मेरा पनीर का तरी बन चुका है, ये देखिए जा रहे इसको डालने के लिए, सारा पनीर इसमें जाएगा अभी। अब इसको भी 10-15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद ये हमारा हो जाएगा। दोस्तों हमारा खाना बन चुका है, ये देखिए पनीर जो बना रहे थे बन के रेडी है, चले खाने के लिए। पनीर मसाला बहुत ही तगड़ा बना है। तो दोस्तों पनीर का सब्जी तो बहुत अच्छा बना है, ऐसे तो मम्मी बनाती है हमेशा, तो आज पापा ट्राई किए घर में थे तो अच्छा बनाए हैं पापा। और कल तो और भी वैरायटी का खाना बनेगा दोस्तों, जैसे दही बड़ा बनेगा, चाट बनेगा, और बहुत सारे गेस्ट हम लोग के घर में आते हैं तो उन लोग के लिए भी बना जाता है, तो कल और टेस्टी रहेगा खाना सब। तो अभी इसको खाते और फिर जाएंगे न्यू वाले घर में सोने के लिए। दोस्तों रात का 10 बज चुका है और आज का तो होली हो गया है, अब कल का भी इंतजार है, कल भी हमारे यहाँ होली हो रहा है। तो हम लोग सुबह जल्दी भी उठना है क्योंकि काफी ज्यादा खाना वाना बनता है। और ये देखिए सुबह में अभी फ्रेश दिख रहा है, होली आज खेला नहीं है तो ये थोड़ा बोलता है जो ब्लू रंग लगा के आ जाता है काला, तो इसको देख के थोड़ा डर लगता है, भीड़ भाड़ को देख के थोड़ा डर लगता है। और इसको भी चिंता रहता है कि इसका बाल खराब ना हो जाए, चेहरा ना खराब हो जाए, इसे रंग से थोड़ा भागता है ये। तो खैर कल खेलेगा होली, कल शाम में अबीर खेलता है ये, इसका दोस्त यार साथ थोड़ा बहुत खेलता है, जितना ज़्यादा सौरभ खेलता है उतना ये नहीं खेलता है, ये भी नहीं खेलता और बड़ा वाला भी नहीं खेलता सागर भी। आज दोस्तों यहाँ बहुत लोग खेला भी नहीं, मेरा दोस्त वगैरह भी नहीं खेला, बोला कल खेलेंगे तो कल बस अबीर खेलेंगे हम लोग। इसको थोड़ा सा डर लगता है कि गैंग बन के आता है ना, सब चेहरा चेंज होता है तो थोड़ा डरने लगता है कि पता नहीं लोग क्या करेगा, किधर रंग डालेगा, क्या करेगा, उसके लेकर के घर से निकलता भी नहीं है। तो चले कोई बात नहीं दोस्तों, अब हम लोग कल होली खेलेंगे, शाम में अबीर खेलते हैं हम लोग। तो इस ब्लॉग यही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक लिए बाय और जय हिंद दोस्तों।